Today's topic is risk-return trade-off. आज का टॉपिक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में. समझते हैं कि क्या है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन्वेस्टर जो हैं वो रिटर्न को पसंद करते हैं. इन्वेस्टर्स लाइक रिटर्न्स बट दे डिसलाइक रिस्क. रिस्क को पसंद नहीं करते इन्वेस्टर्स. सेकेंड पॉइंट पर आते हैं. ऑल इन्वेस्टर्स आर रिस्क एवर्स एज दे अवॉइड रिस्क. आपको मैं बता दूं कि इन्वेस्टर्स तीन तरह के होते हैं. रिस्क एवर्स, रिस्क लवर एंड रिस्क न्यूट्रल. यानी कि रिस्क को पसंद करने वाला रिस्क लवर, रिस्क से दूर भागने वाला रिस्क एवर्टर या रिस्क एवर्स, और रिस्क का कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे इन्वेस्टर्स को रिस्क न्यूट्रल बोलते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं रिस्क के प्रति. तो तीन तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं. अब सवाल यह कि इन्वेस्टर्स क्या पसंद करते हैं. तो इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं हायर रिटर्न्स, और हायर रिटर्न अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ज्यादा रिस्क एज्यूम करना पड़ता है. जब तक ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे हायर रिटर्न नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप यानी कि धनात्मक संबंध है. तो रिस्क और रिटर्न जो है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है. इसलिए हायर रिटर्न के लिए हायर रिस्क लेना पड़ेगा और लो रिटर्न के लिए लो रिस्क लेना पड़ेगा. दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं. यदि रिटर्न बढ़ता है तो रिस्क भी बढ़ता है, रिटर्न कम होता है तो रिस्क भी कम होता है. इसलिए ठीक ही कहा गया है कि रिस्क एंड रिटर्न मूव टुगेदर, यानी कि सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं. अब सवाल है कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है क्या. तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को समझने के लिए लास्ट वाला पॉइंट है कि इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहता है बट रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है. इसी को बोलते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, यानी कि रिटर्न को मैक्सिमाइज करना और रिस्क को मिनिमाइज करना. इन्वेस्टर्स की ये टेंडेंसी होती है, ये स्ट्रेटजी होती है, ये उनकी पसंद होती है, और इसी को हम लोग कहते हैं रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. जब कभी भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है, तो उसके रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का ध्यान रखना पड़ता है. इसलिए हम लोग रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पढ़ रहे हैं. और आपको मालूम होगा कि रिस्क रिटर्न AEC 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा था डिटेल से, वो भी SAPM के सिलेबस में है. अब कुछ सिक्योरिटी में रिस्क रिटर्न क्या है, कितना होता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा एक ओवरव्यू लेने जा रहे हैं. ट्रेजरी बिल्स मैंने आप लोग को बताया था कि ये RBI इशू करती है, इसमें लो रिटर्न होता है और इसमें रिस्क नहीं होता है. इसलिए इसमें जो रिटर्न होता है उसे हम बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, इसमें रिटर्न भी कम होता है और रिस्क भी कम होता है. प्रेफरेंस शेयर, इसमें जो रिटर्न मिलता है वो मीडियम मिलता है, और किस रूप में मिलता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड के रूप में मिलता है, जबकि रिस्क भी इसमें मीडियम होता है. इक्विटी शेयर इन्वेस्टर्स के लिए हाईली रिस्की होता है और इसमें रिटर्न भी हाई मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी अर्निंग बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिटर्न. लेकिन हाई रिस्क क्यों, क्योंकि यदि प्रॉफिट नहीं बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हाई रिस्क. तो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिटर्न और हाई रिस्क होता है, जबकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर लो रिस्क है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. द रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हैज टू कंपोनेंट. कोई भी रिटर्न है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, और दो कंपोनेंट में सबसे पहला है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली है क्या. इट इज एक्चुअली रिवॉर्ड फॉर टाइम. इट इज कॉमन फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स.
और मैंने बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे कि ट्रेजरी बिल्स पर जो भी रिटर्न मिलता है उसे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। रिस्क प्रीमियम दूसरा कंपोनेंट है, ये स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट होता है, ये सब में नहीं होता। यदि यदि इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क एज्यूम करते हैं तो ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो ऐसे रिटर्न को रिस्क प्रीमियम बोलेंगे। इट इज एक्चुअली कंपनसेशन फॉर एज्यूमिंग रिस्क, इट इज स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। और किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज्यादा है तो रिस्क प्रीमियम भी ज्यादा होना चाहिए, तभी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यदि किसी इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है तो रिस्क प्रीमियम भी कम होगा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिवली रिलेटेड है रिस्क एंड रिटर्न। तो रिस्क प्रीमियम क्या है? एक्स्ट्रा रिस्क लेने पर जो एक्स्ट्रा रिटर्न है उसी को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, यानी कि एक्सेस रिटर्न व्हेन रिस्क इज अंडरटेकन। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर तो उसे हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए ज्यादा उसे रिस्क एज्यूम करना पड़ेगा। तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इन्वेस्टर्स जो है रिस्क को डिसलाइक करते हैं और रिटर्न को लाइक करते हैं। तीन तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, रिस्क एवर्टर, रिस्क लवर, रिस्क न्यूट्रल। और सर एक फॉर्मूला भी बताए थे, वो क्या बताए थे एक बार? मैं आपको प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा वेट कीजिए, प्रेजेंट करके मैं दिखाता हूँ। फॉर्मूला दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, यानी कि किसी भी सिक्योरिटी से हमें कितना रिटर्न चाहिए वो दो भागों में विभक्त है। पहला है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होता है, मान लीजिए कि 8%। और रिस्क प्रीमियम, आप यदि ज़्यादा रिस्क एज्यूम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, तो 5% मान लीजिए एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए, तो 8+5, 13% आपको उस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने पर रिटर्न चाहिए, अदरवाइज आप उसमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है? समझ में आया? यस सर। आप म्यूट करके रखेंगे कि डिस्टर्ब हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग भी ऑन है। तो अभी हम लोगों ने देखा, एक बार फिर से ओवरव्यू लेते हैं, फिर आप लोग से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहला सवाल यह है कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ है क्या? तो मैंने बताया था कि इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं, इसी को रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बोलते हैं। और हमने कुछ सिक्योरिटीज में देखा कि रिस्क रिटर्न का क्या रिलेशनशिप है, जिसमें इक्विटी शेयर हाईली रिस्की है जबकि ट्रेजरी बिल में रिस्क होता ही नहीं है, और ट्रेजरी बिल में जितना रिटर्न होता है उस रिटर्न को बोलते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब रिटर्न के दो कंपोनेंट हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क प्रीमियम, और हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक सिक्योरिटी इक्विटी शेयर का एग्जाम्पल लिया कि उसमें यदि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी हायर होगा, लेकिन मान लीजिए बॉन्ड डिवेंचर की बात करते हैं तो उसमें ये रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। तो अब हम आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। वीडियो को ऑन रखेंगे आप सभी बच्चे? काजल सिंह बताइए, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या है? व्हाट इज रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ?
सर रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ वो होता है जिसमें हम लोग रिटर्न को मैक्सिमाइज करते हैं और रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। एक स्ट्रेटजी होता है कि जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा ध्यान में रखें कि हमारा रिटर्न जो है ज्यादा है और रिस्क हम लोग कम उठाए। इसी को रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बोलते हैं। ठीक है, चलिए रितेश कुमार आप बताइए। म्यूट कीजिए। हाँ आप बताइए, रिस्क और रिटर्न में क्या रिलेशनशिप है? व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न? दोनों का मतलब सेम ही रिलेशन है सर। जैसे कि अगर रिस्क हम ज्यादा लेंगे तो हमको रिटर्न भी ज्यादा होगा, और रिस्क अगर हम कम लेते हैं तो रिटर्न भी कम होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव रिलेशन होता है इसमें। सही बताया आपने, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। बताइए आप रिस्क और रिटर्न में से कौन सा पसंद करेंगे? रिस्क और रिटर्न में से आप कौन सा पसंद करेंगे? ज्यादा तो हम बिल्कुल मेबी हाँ रिटर्न सर, रिटर्न। हाँ रिटर्न को पसंद करेंगे। इन्वेस्टर ऑलवेज लाइक रिटर्न एंड डिसलाइक रिस्क। ऑलवेज लाइक डिसलाइक रिस्क, डिसलाइक रिस्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पूछते हैं। अंजलि साहब आप बताइए। यस सर। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। ये दोनों को समझाइए, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है और रिस्क प्रीमियम क्या होता है। सर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में हो गया सर ट्रेजरी बिल, जिसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है, और क्या इसमें रिस्क कितना होता है? रिस्क जीरो होता है, नील होता है। यस सर। हाँ इसलिए इसको बोलते हैं रिस्क फ्री। रिस्क फ्री यानी कि रिस्क रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता। रिस्क प्रीमियम बताइए। रिस्क प्रीमियम नहीं पता, सब बता दीजिए। रिस्क प्रीमियम ये है कि आप ज्यादा रिस्क लेते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो जितना एक्स्ट्रा आपने रिस्क लिया है तो एक्स्ट्रा रिटर्न जो होगा उसी एक्स्ट्रा रिटर्न को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। यानी कि प्रीमियम क्यों है? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा रिस्क एज्यूम किया है। ठीक है, चलिए अब रोमी कुमारी से पूछते हैं। रोमी कुमारी। यस सर। आप बताइए इक्विटी शेयर में रिस्क और रिटर्न का नेचर क्या होता है? दोनों हाई होता है, रिटर्न भी हाई। अगर रिटर्न हाई है तो रिस्क भी हाई होगा। हाँ, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ कैसे बताइए, कैसे उसके लिए रिस्क ज्यादा है और रिटर्न ज्यादा है? अगर जो सब सबको प्रॉफिट देने के बाद कुछ नहीं बचा तो इक्विटी शेयर के पास तो कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, तो इस वजह से रिस्क हाई हो जाए और नो रिटर्न हो जाएगा, इसलिए रिस्की है। यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर के बाद कुछ बचा ही नहीं, उसके लिए कुछ बचा ही नहीं, तो रिस्की हो गया। रिटर्न हाई कैसे? यदि बच गया, ज्यादा बच गया, बच गया तो ज्यादा हो गया तो वो इक्विटी शेयर का हो जाएगा, इसलिए हाई रिटर्न शेयर होल्डर वाले का हो जाएगा, इसलिए ज्यादा रिटर्न है ना। yes, ठीक है। yes. ठीक है, तो अब हम लोग ये एक छोटा सा टॉपिक था रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, ये हमारा कंप्लीट होता है। अब कुछ देर के बाद हम लोग, अभी दो मिनट के बाद हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस का भी क्लास अभी लेंगे। दो मिनट के बाद मैं न्यू लिंक भेजूंगा।